की सबको शुभकामनाएं। वैज्ञानिक आइंस्टीन के साथ यदि किसी का नाम जोड़ा जाता है तो वह महान भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस हैं, जिनका जन्म 1 जनवरी 1894 को हुआ था। सत्येंद्रनाथ बोस ने 1924 में प्लांक के ब्लैक बॉडी रेडिएशन के आधार पर अपने कुछ आइडिया आइंस्टीन को लिख के भेजे। फिर आइंस्टीन ने उन आइडिया को डेवलप करते हुए एक थ्योरी पूरे विश्व के सामने दी, जिसको आज हम सब बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स के नाम से जानते हैं। इसको क्वांटम स्टैटिक्स भी कहते हैं। इसके आने के बाद ही बोसॉन पार्टिकल्स की व्याख्या सही तरीके से की जा सकी और फोनॉन से जुड़ी हुई अनेक बातें जैसे सुपर कंडक्टिंग स्टेट की बात भी इस स्टैटिक्स के आने के बाद ही समझी जा सकी। नहीं, एक और जर्मन भौतिक शास्त्री हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज का जन्म हुआ है। ये वह वैज्ञानिक है जिन्होंने पहली बार रेडियो वेव को ब्रॉडकास्ट भी किया और रिसीव भी किया। यानी आज की डेट की हमारी जो टेक्नोलॉजी है टेली कम्युनिकेशन की, ये टेली कम्युनिकेशन का जो सफल पहला प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक थे वो हेनरी हर्ट्ज थे। 1942 को अमेरिका के बायोमेडिकल फिजिसिस्ट का जन्म हुआ था, जिनका नाम था एडवर्ड जोसेफ होपमैन। इन्होंने 1974 में पीईटी स्कैनर की खोज की थी। पीईटी स्कैनर को पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी स्कैनर के नाम से भी जाना जाता है। इससे कैंसर जैसे अनेक घातक बीमारियों का पता बड़ा आसानी से लगाया जा सकता है। 1 जनवरी 1879 को फादर ऑफ नेवी रेडार के नाम से जाने जाने वाले अल्बर्ट टेलर का जन्म भी हुआ था। अल्बर्ट टेलर ने अमेरिका में रेडार टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, इसलिए इनको फादर ऑफ रेडार नेवी के नाम से भी जाना जाता है। या विज्ञान की कोई ना कोई घटना जरूर होती है, तो हम आपको लगातार वर्ष भर विज्ञान की इन घटनाओं से परिचित कराने के लिए सीरीज शुरू कर रहे हैं। साथ ही आपको रोज एक प्रश्न पूछेंगे, तो आज का प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। यदि इसका उत्तर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर इसका उत्तर लिखिए। यदि आप इसका उत्तर जानना चाहते हैं तो 2 जनवरी का वीडियो आप हमारी सीरीज का देख सकते हैं, जिसमें इसका उत्तर दूंगा। आपको पुनः एक बार जन्म नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामना।